अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने गैशियस स्टेट को कंप्लीट किया था, ठीक है। तो आज हम एक टर्म पढ़ते हैं लिक्विड स्टेट, और इससे आगे फिर सारी बातें लिक्विड स्टेट पे होंगी। अब देखें, गैस का हमने ये पढ़ा था कि प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होगा, टेम्परेचर कम करोगे वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम होने की वजह से मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तो उनके बीच में क्या होगा, एक किस्म की अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी। और जैसे ही अट्रैक्शन डेवलप हो गई, अट्रैक्शन डोमिनेंट हो गई, स्टेट फौरन चेंज हो जाएगी। ये उसूल जहन में रख लो, चाहे लिक्विड हो, लिक्विड को आप कूल करोगे, पार्टिकल्स करीब आएंगे, जब अट्रैक्शन एक उस मोशन के ऊपर डोमिनेंट हो जाएगी तो स्टेट चेंज हो जाएगी, और इसी का नाम है चेंज ऑफ स्टेट। अब यहां पे चेंज ऑफ स्टेट हम कौन सा पढ़ रहे हैं, चेंज ऑफ स्टेट हम ये पढ़ रहे हैं कि हमने इससे पहले पढ़ा था गैस, अब हम पढ़ेंगे लिक्विड। तो गैस को लिक्विड में लाने का नाम क्या होगा, लिक्विफिकेशन। गैस को लिक्विड में लाने का नाम क्या होगा, लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन, द चेंज ऑफ गैस इंटू लिक्विड, द चेंज ऑफ गैस इंटू लिक्विड इज नोन एज लिक्विफिकेशन, ठीक है। और गैस को लिक्विड में चेंज हम करेंगे तो गैस को लिक्विड में चेंज क्या करेंगे, हम लो टेम्परेचर पे, चेंज ऑफ अ गैस इनटू लिक्विड एट लो टेम्परेचर, तो उसे कहा जाएगा लिक्विफिकेशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस टॉपिक के ऊपर केएमटी क्या कहती है, एक्सप्लेनेशन इन टर्म्स ऑफ के एम टी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इस टॉपिक के ऊपर क्या बताती है। अब देखें, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये कहती है कि जैसे ही आपने टेम्परेचर कम किया तो टेम्परेचर कम करने की वजह से क्या होगा, पार्टिकल्स करीब आएंगे, पार्टिकल्स करीब आएंगे तो उनके बीच में क्या एस्टेब्लिश होगी, एक किस्म की अट्रैक्शन एस्टेब्लिश होगी। तो अट्रैक्शन एस्टेब्लिश होने की वजह से क्या होगा, स्टेट फौरन चेंज हो जाएगी। तो यहां पे हम ये लिखते हैं कि एज द टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्या आएंगे, करीब आएंगे। As the temperature is decreased, molecules come closer. In result, an attractive force is dominated. Hence, state is changed. State क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे हमने कहा कि भाई गैस में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर, ठीक है। अगर इन मॉलिक्यूल्स को टेम्परेचर कम करके करीब लाया जाए तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। मान लें यहां थे दे वर इन गैशियस स्टेट, यहां पे दे आर इन लिक्विड स्टेट, ठीक है, समझ गए बात को, या कोई कंफ्यूजन है, ठीक है। तो दिस इज लिक्विफैक्शन। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट जो है, हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि लिक्विड मैटर की वो हालत है जिसकी ना तो कोई डेफिनेट शेप है, लेकिन डेफिनेट साइज है, डेफिनेट वॉल्यूम है। तो लिक्विड क्या होगा, हैविंग
फिक्स्ड साइज, साइज का मतलब वॉल्यूम, बट नो फिक्स्ड शेप। साइज तो है इसकी लेकिन इसकी कोई शेप नहीं है, तो इस वजह से क्या होगा, और जिसकी कोई भी शेप नहीं होती वो क्या करता है, इट अक्वायर्स द शेप ऑफ कंटेनर, कंटेनर की शेप में होगा। और लिक्विड में पार्टिकल्स वैसे ही फेयरली क्लोज होते हैं, तो लिक्विड में पार्टिकल्स किस सूरत में मूव करते हैं, दे मूव इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स। ठीक है, या कोई कंफ्यूजन है? हमने पढ़ा था कि वन मोल ऑफ अ गैस ऑक्यूपाई करता है 22.4 डीएम क्यूब या 2400 सीएम क्यूब, लेकिन वन मोल ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड के वन मोल का, वन मोल ऑफ अ लिक्विड एट स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑक्यूपाइजेस 10 सीएम क्यूब टू 100 सीएम क्यूब। ठीक है, या इसमें कोई कंफ्यूजन है? अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बिहेवियर ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, नाउ वी आर स्टार्टिंग बिहेवियर ऑफ लिक्विड। जैसे बिहेवियर ऑफ गैसेस पढ़ा था हमने, वैसे ही हम पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ लिक्विड्स। और लिक्विड स्टेट क्या है, ये एक इंटरमीडिएट स्टेट है, या यहां लिख देते हैं इंटरमीडिएट स्टेट, किसके दरमियान, बिटवीन गैस एंड सॉलिड। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टी गैस वाली होगी, थोड़ी सी प्रॉपर्टी सॉलिड वाली होगी। कैसे, मैं एक एग्जांपल दे दे, जैसे गैस में ना शेप ना साइज, सॉलिड में शेप भी है साइज में भी है। तो मैंने कहा, क्या कहा, कि लिक्विड में दोनों चीजें होंगी, तो लिक्विड में शेप नहीं है गैस जैसी, लिक्विड में साइज है सॉलिड जैसा, तो इट इज इंटरमीडिएट स्टेट। अब सबसे पहले हमारे पास टर्म आती है डिफ्यूजन या डिफ्यूजिबिलिटी। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि गैसेस में डिफ्यूजन कम होता है, लेस डिफ्यूजन एज कंपेयर टू गैसेस। और क्यों है ये, इस वजह से है कि मॉलिक्यूल्स में क्लोजनेस है, उस क्लोजनेस की वजह से मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते रहते हैं और दूसरे मॉलिक्यूल्स उसमें आसानी से इंटरमिंगल नहीं हो पाते, तो इस वजह से लिक्विड में डिफ्यूजन कम है, गैस से कम है। सॉलिड के मुकाबले में तो ज्यादा है, लेकिन लिक्विड में खुद में डिफ्यूजन गैस के मुकाबले में कम है। ठीक है, ड्यू टू क्लोजनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और क्लोजनेस ऑफ मॉलिक्यूल से क्या होगा, विच गिव राइज टू, जिसके नतीजे में क्या निकलेगा, कोलिजन देगा। जैसे हम एक इंक भी लिक्विड है, उसको पानी में डालते हैं तो आप देखते हैं कि उस इंक का कतरा आहिस्ता आहिस्ता पानी में फैलने लग जाता है, तो दैट इज व्हाट, डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन है, नोट करें आप इसको। जैसे ड्रॉप ऑफ डाई और एनी कलर्ड सॉल्यूशन डिफ्यूजेस इन वाटर, पानी में वो क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। समझ गए बात को, या इसमें कोई कंफ्यूजन है, क्लियर हो गई बात? अब डिफ्यूजन के बाद हमारे पास आता है कंप्रेशन या कंप्रेसिबिलिटी।
अब कंप्रेशन क्या है, डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी कि भाई वॉल्यूम में कमी होना किसकी वजह से, प्रेशर के बढ़ने की वजह से। तो लिक्विड में मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी क्लोज हैं, इधर देखें आप, लिक्विड में मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी क्लोज हैं, तो क्लोज हैं, अगर इनके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे तो क्या ये करीब आ पाएंगे, दे आर ऑलरेडी टुगेदर, क्लोज टुगेदर, तो जब और करीब नहीं आएंगे तो इसका मतलब कंप्रेशन क्या है, कंप्रेशन इज वेरी वेरी लेस इन लिक्विड्स एज कंपेयर टू सॉलिड्स, एज कंपेयर टू गैसेस, क्यों, ड्यू टू क्लोजनेस ऑफ द पार्टिकल्स, ड्यू टू क्लोजनेस ऑफ द पार्टिकल्स। अब इसी वजह से जाहिर सी बात है हम लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो मॉलिक्यूल्स करीब आएंगे, करीब आएंगे, अब ये तो ऑलरेडी एक दूसरे के करीब हैं तो इसका मतलब प्रेशर का असर नहीं होगा। इसी वजह से लिक्विड को यूज किया जाता है हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में क्या होता है, हम फोर्स अप्लाई करते हैं पेडल के थ्रू, तो वो पेडल जाके वो फोर्स अप्लाई करता है किसके ऊपर, लिक्विड के ऊपर, तो वो लिक्विड क्या करता है, उस प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करता है किसी मैकेनिज्म के थ्रू, मैकेनिकल एक्शन के थ्रू, जिससे जाके गाड़ी के टायर्स चलते चलते रुक जाते हैं। ठीक है, समझ में आई बात या कोई कंफ्यूजन है, तो दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में ये प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात या इसमें कोई कंफ्यूजन है, क्लियर है, देखें नोट करें इसको। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन करें केएमटी में तो इसकी एक्सप्लेनेशन और इसकी एक्सप्लेनेशन ऑलमोस्ट सेम होगी, लेकिन सिर्फ पैरामीटर चेंज है, एक्सप्लेनेशन इन टर्म्स ऑफ केएमटी। काइनेटिक एनर्जी क्या कहती है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, प्रेशर बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स करीब आएंगे, ये ऑलरेडी करीब हैं तो क्या होगा, ये और करीब नहीं आएंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा प्रेशर होगा लिक्विड को स्क्वीज करने के लिए। व्हाई, बिकॉज पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। ठीक है, वेरी हाई प्रेशर is applied to squeeze a liquid. लिक्विड को स्क्वीज करने के लिए हमें बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। समझ गए बात को या इसमें कोई कंफ्यूजन है, ठीक है, अब हम देखें, हम आगे चलते हैं, नोट करें इसको। आगे हमारे पास है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन का मतलब क्या है, वॉल्यूम का इंक्रीज होना, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, वॉल्यूम का डिक्रीज होना। अब जब ये आम उसूल है, आम प्रिंसिपल है कि जब व्हेन A liquid is heated, it expands. General, when a liquid is cooled, it contracts. जब लिक्विड को हीट करेंगे तो लिक्विड एक्सपैंड होगा, जब लिक्विड को कॉन्ट्रैक्ट, जब लिक्विड को कूल करेंगे तो वो क्या होगा,
कॉन्ट्रैक्ट होगा। समझ में आ रही है बात? तो इसकी भी एक्सप्लेनेशन हम केएमटी में दे सकते हैं कि भाई जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे तो ऑफकोर्स वॉल्यूम बढ़ जाएगा। टेम्परेचर कम करेंगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएंगे और वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को, इसको नोट करें तो हम एक दो बातें और करें। ठीक है भाई, यहां पे लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम होता है। इधर ध्यान दें, लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, तो उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन ज्यादा होती है, और यही अट्रैक्शन डिसाइड करती है लिक्विड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज, जैसे विस्कोसिटी हो गया, फ्लूइडिटी हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, वेपर प्रेशर हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है। द डिस्टेंस बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स, द डिस्टेंस बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स इज सो स्मॉल दैट, इतना कम है कि दैट दे हैव स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, और यही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या यही इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन डिसाइड करती है उनकी प्रॉपर्टीज की। दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिस्क्राइब्स वेरियस प्रॉपर्टीज लाइक विस्कोसिटी, फ्लूइडिटी, सरफेस टेंशन, वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट। और यही हमारे नेक्स्ट टॉपिक हैं, इसको नोट करें तो फिर हम आगे बढ़ें। तो अब हम जो हमने कहा था कि भाई लिक्विड की में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होती है और ये अट्रैक्टिव फोर्सेस डिसाइड करती हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज, तो इनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब टेंडेंसी टू फ्लो, फ्लो होने की सलाहियत का नाम है फ्लूइडिटी। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि इट इज अपोजिट ऑफ विस्कोसिटी, अपोजिट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का अपोजिट है फ्लूइडिटी। ठीक है, फ्लूइडिटी क्या है, मींस एक चीज को हम फ्लो कर रहे हैं वो कितनी आसानी से फ्लो हो रही है, ये उसकी सलाहियत है फ्लूइडिटी। कितनी मुश्किल से फ्लो हो रही है, इस सलाहियत का नाम है विस्कोसिटी। तो अब हम हमारे टॉपिक पर आ जाते हैं, और एक और पॉइंट ये जहन में रहे कि बल्कि एक सवाल हम लिख लेते हैं कि भाई द कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कोसिटी, the concept of viscosity is applied to
ए गैस, बी लिक्विड, सी सॉलिड, डी ऑल और ई ए एंड बी। तो ये जो विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट है ये याद रखें, ये दोनों पर अप्लाई होता है, गैस पर भी अप्लाई होता है, लिक्विड पे भी अप्लाई होता है, इट इज अप्लाइड टू बोथ, दोनों पे विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। ठीक है, हमारे सिलेबस में जो सिंथ टेक्स्ट बोर्ड की बात है वहां विस्कोसिटी गिवन है किसकी, लिक्विड्स की, विस्कोसिटी गैस की भी हो सकती है, तो इसका जवाब होगा ये। अब हम आते हैं विस्कोसिटी के ऊपर। विस्कोसिटी को सिंपल हम ये कह सकते हैं कि इट इज अपोजिट ऑफ फ्लूइडिटी, ये तो सादा सी डेफिनेशन, विस्कोसिटी का अपोजिट फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी का अपोजिट विस्कोसिटी। अक्सर तौर पे जब भी विस्कोसिटी का टॉपिक मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि भाई आपके पास दो कंटेनर्स हों, दो बोतल्स हों, एक में आपके पास शहद हो, हनी हो, और दूसरे में आपके पास पानी हो। आप दोनों बोतल्स को एम्प्टी करें, खाली करें, कौन सी बोतल आसानी से खाली होगी? तो आप में से ज्यादातर बल्कि सारों का जवाब ये होगा कि सर हनी वाली बोतल देर से खाली होगी, पानी वाली बोतल जल्दी से खाली होगी। मेरा फौरन दूसरा सवाल, क्यों भाई, हम क्या हमने हनी वाली बोतल को ऐसे हाथ लगा के रोका था कि भाई नीचे नहीं जाओ, क्योंकि हनी हनी तो है ही, हनी मीठी है और बड़े फायदे हैं इसमें। नहीं, हमने दोनों को एक ही सिचुएशन दी थी, पानी फौरन गिर रहा था, हनी आहिस्ता 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 गिर रही थी। तो ये आहिस्ता आहिस्ता गिरने का रीजन क्या है? आप बोलोगे उसकी मूवमेंट में रुकावट है। तो मैं आपसे पूछूंगा क्या वो रुकावट आपको दिखाई दे रही है? यू विल से नो, वो हमें रुकावट दिखाई नहीं दे रही। ऐसे नहीं कि हमने फॉर एग्जांपल हनी को, पानी की बोतल को भी ऐसे उल्टा करें, हनी की बोतल को भी ऐसे उल्टा करें, पानी की बोतल के नीचे ऐसे यूं हाथ रख दें हम। अब भाई दो खबर, कौन जाएगा ज्यादा? आप कहोगे कि अब हनी ज्यादा जाएगी जल्दी, क्यों? क्योंकि पानी को तो हमने रोक दिया। ये सिचुएशन नहीं है। दोनों को याद रखें, कॉम्पिटिशन वही है जब आप दोनों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें। जैसे एंट्री टेस्ट में कॉम्पिटिशन होता है ना, तो सारे स्टूडेंट्स को वो पेपर एक ही जैसा अटेम्प्ट करना पड़ता है कि आसान है, मुश्किल है, मॉडरेट है, डिफिकल्ट है, आउट ऑफ कोर्स है, विद इन द कोर्स है, एक ही जैसा है सारों के लिए, आसान तो भी एक जैसा, डिफिकल्ट तो भी एक जैसा। तो ये जो मैं चेक कर रहा हूँ, बता रहा हूँ एग्जांपल आपको कि कौन जल्दी फ्लो होगा, कौन देर से फ्लो होगा, तो सिचुएशन एक जैसी होनी चाहिए। तो वहीं हम कह सकेंगे कि ये जल्दी फ्लो हो रहा है, ये देर से फ्लो हो रहा है। तो आते हैं दोबारा उन दोनों एग्जाम्पल्स के ऊपर कि हनी वाली बोतल देर से खाली होगी, या मैं कहूँ हनी वाली बोतल में जो हनी है वो फ्लो होगी स्लो, पानी वाली बोतल में जो पानी है वो फ्लो होगा फास्ट। तो ये स्लो और फास्ट फ्लो का नाम क्या है? फ्लूइडिटी है या विस्कोसिटी है? अगर फ्लो के सेंस में लें तो विस्कोसिटी, ओ फ्लूइडिटी, अगर फ्लो में रेजिस्टेंस के सेंस में लें तो विस्कोसिटी। और ये जो रुकावट है, रेजिस्टेंस है, ये दिखाई नहीं दे रहा, ये कहाँ है? मॉलिक्यूल के अंदर है। तो इसीलिए विस्कोसिटी को कहा जाता है द इंटरनल, इंटरनल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ द लिक्विड इज नोन एज या इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। ठीक है, और ये डेफिनेशन एज इट इज पेपर में आई हुई है कि द इंटरनल रेजिस्टेंस। कभी कभी देखें ये सवाल होते हैं टोकन सवाल, जो सीधे सीधे बुक से स्टेटमेंट, और ऐसे काफी सवाल आपने पास पेपर्स में देखे हैं तो आते हैं, तो ये चीजें जहन में रखनी जरूरी है।
और विस्कोसिटी का रीजन क्या है कि वाई विस्कोसिटी इज अराइजेस, तो विस्कोसिटी इज अराइजेस ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो हमें पता चला कि कुछ लिक्विड्स फ्लो करते हैं जल्दी और कुछ लिक्विड्स फ्लो करते हैं देर से। तो सम लिक्विड्स फ्लो, सम लिक्विड्स फ्लो स्लोली, तो वो क्या है विस्कस, एंड सम फ्लो क्विकली, वो क्या है लेस विस्कस। कुछ तेजी से फ्लो होते हैं, कुछ आहिस्ता से फ्लो होते हैं, और इसी का नाम क्या है विस्कोसिटी है। क्लियर हो गई बात या इसमें कोई कंफ्यूजन है? अब अगर हम आए विस्कोसिटी के यूनिट की तरफ, ये यूनिट वाला सवाल भी शानदार आया हुआ है पेपर में। एसआई यूनिट जो है वो है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, लेकिन केमिस्ट्री में आपको पता है एसआई सिस्टम फॉलो नहीं होता, मेजर्ड इन पॉइस। इसको किस में मेजर किया जाता है? पॉइस में मेजर किया जाता है, ठीक है। और वन पॉइस बराबर होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, या वन पॉइस का कन्वर्जन फैक्टर अगर आपके जहन में हो तो ये बराबर होता है 10^-2 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अब ये जो पॉइंट है 1 पॉइस इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, ये एज इट इज पेपर में आया हुआ है कि 1 पॉइस इज इक्वल टू -, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। हालांकि इसमें डाउट है, बहुत बड़ा डाउट है, अभी मौका नहीं है उस डाउट को डिस्कस करने का, ठीक है। लेकिन एज इट इज 1 पॉइस इज इक्वल टू दिस। तो इसके अलावा अगर हम इसके प्रीफिक्सेस वाले यूनिट बनाए तो 1 सेंटीपॉइस किसके बराबर होगा, आप खुद ही फैसला करो पॉइस किसके बराबर है। बल्कि गलत हो गया, बड़ी गलती करवा देते हो आप मेरे से। तो 1 सेंटीपॉइस किसके बराबर होगा, सेंटी, सेंटी की क्या वैल्यू है 10^-2, -1 ये है, -2 अब आएगा तो क्या हो जाएगा, तो काफी इस पे एक क्वेश्चन भी है और स्टूडेंट कंफ्यूज भी होते हैं कि 1 सेंटीपॉइस इज इक्वल टू 10^-2 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर भी 10^-1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, सी 10^-3 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, डी नन ऑफ दीज। आ रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ज्यादातर सेंटी बच्चों को पता है कि भाई सेंटी किसके बराबर है, सेंटी बराबर है 10^-2 के, सेंटी इज इक्वल टू 10^-2, तो बच्चे सारे इसकी तरफ चले जाते हैं। हालांकि ये नहीं, दिस इज रॉन्ग, क्यों, क्योंकि 10^-2 है सेंटी, लेकिन पॉइस का अपना भी तो कन्वर्जन फैक्टर है ना, कितना 10^-1, ठीक है, समझ गए बात को या इसमें कोई कंफ्यूजन है। अब हम आगे चलते हैं, विस्कोसिटी को रिप्रेजेंटेशन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ईटा, ये जो फिजिक्स में एफिशिएंसी में आपने जाहिर किया होगा ईटा। विस्कोसिटी का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कि भाई विस्कोसिटी को किससे मेजर किया जाता है, विस्कोसिटी को मेजर किया जाता है किससे, विस्कोमीटर से, इट इज मेजर्ड बाय द हेल्प ऑफ विस्कोमीटर। समझ में आ रही है बात या इसमें कोई कंफ्यूजन है? फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी
कौन से फैक्टर्स विस्कोसिटी पर असरअंदाज होते हैं? सबसे पहला फैक्टर है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये बड़ा कॉमन है, साइज। छोटा मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, या यूं समझ लें एक हल्का इंसान होगा, हल्का फुल्का तो भागने में भी तेज होगा, एक भारी भरकम इंसान होगा मेरे जैसा तो उसको भागने में डिफिकल्टी होगी। तो सेम केस, साइज बढ़ेगी तो विस्कोसिटी भी बढ़ जाएगी। तो विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज। साइज बढ़ेगा, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है? दूसरा फैक्टर है शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखिए, शेप हमारे पास एक होती है रेगुलर शेप जो एक दूसरे के ऊपर आसानी से रोल, जब कोई लिक्विड मूव कर रहा होता है ना तो उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर रोल कर रहे होते हैं, ठीक है, रोटेट कर रहे होते हैं, तभी वो जाके फ्लो कर रहा होता है। तो रेगुलर शेप मॉलिक्यूल्स, इररेगुलर शेप्ड मॉलिक्यूल्स हैव हाई विस्कोसिटी। इररेगुलर जो होंगे उनकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, और रेगुलर शेप्ड मॉलिक्यूल्स, रेगुलर शेप्ड मॉलिक्यूल्स हैव लेस विस्कोसिटी। जो रेगुलर होंगे स्लिम स्मार्ट होंगे, आसानी से भाग जाएंगे, जो इररेगुलर होंगे मोटे होंगे तो वो आसानी से भाग नहीं सकेंगे। नोट कर लिया, आगे चलें। तीसरा फैक्टर है हमारे पास इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। विस्कोसिटी जो है काज ही इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से है, विस्कोसिटी का काज ही इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है। तो अब आप खुद ही फैसला करो, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगी तो विस्कोसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कम होगी तो विस्कोसिटी भी कम होगी। तो विस्कोसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। जैसे कुछ कंपाउंड्स हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, कुछ कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, CH3O CH3। ये क्या है? ये है भाई डाईमिथाइल ईथर, डाईमिथाइल ईथर। ये थोड़ा ऑर्गेनिक का टच आ गया, और आगे चल के मैं एक ऑर्गेनिक मैराथन क्लास रखूंगा जिसमें ऑर्गेनिक का नॉमिनक्लेचर मैं आपको पूरा दे दूंगा, ठीक है, और वो 2 घंटे की लेक्चर होगा, 3 घंटे का, ये फर्स्ट ईयर के दौरान ही वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, ताकि उसमें आपकी नॉमिनक्लेचर की प्रैक्टिस हो जाए पूरा ऑर्गेनिक, चैप्टर 6 7 8 9 सिंथेक्स की बात कर रहा हूँ, और ये ही रिलेट कर देंगे आप पंजाब टेक्स्ट में या किसी एनसीईआरटी से रिलेटेड, तो वो सारा नॉमिनक्लेचर होगा, और उस क्लास का नाम होगा मैराथन क्लास, लंबी भागम भागी। डाईमिथाइल ईथर, और ये हमारे पास है इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। अब देखें, डाईमिथाइल ईथर से इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसमें क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इथाइल अल्कोहल हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट
क्यों? ड्यू टू एच बी, एच बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। एच बी का मतलब ये नहीं हेलो बेटा या हटो बच्चो, ये भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स बढ़ेगी, इंटरमॉलिकुलर फोर्स बढ़ेगी तो विस्कोसिटी बढ़ेगी। पॉइंट नंबर फोर, टेम्परेचर, लिक्विड की विस्कोसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और कौन सा रिलेशन है? इनवर्स विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे विस्कोसिटी कम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स आसानी से मूव करते जाएंगे और विस्कोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। और एक और पॉइंट कि गैस की विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है। मैंने आपको बताया ना कि विस्कोसिटी किसके अप्लाई होता है? गैस के ऊपर भी, लिक्विड के ऊपर भी। और गैस और लिक्विड को मिला के क्या कहते हैं? मैंने पढ़ाया हुआ है, बताना मुझे कि गैस और लिक्विड को क्या कहते हैं मिला के। लास्ट पॉइंट है हमारा, एप्लीकेशन ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की क्या एप्लीकेशन है, क्या बेनिफिट है, क्या फायदा है? तो याद रखें, आप ऑयल की शॉप पे जाते होंगे तो वहां आपने ऑयल के नंबर्स लिखे होंगे कि बाबा ये 30 का 30 ग्रेड ऑयल है, ये 40 ग्रेड ऑयल है। तो ये जो ऑयल्स की ग्रेडिंग है ये की जाती है किस बेस के ऊपर? ऑन द बेसिस ऑफ विस्कोसिटी। तो ग्रेडिंग ऑफ ऑयल इज डन ऑन द बेसिस ऑफ देयर विस्कोसिटी। जैसे 30 ग्रेड ऑयल इज मोर विस्कस देन 20 ग्रेड ऑयल। जितना नंबर ज्यादा होगा उतनी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, जितना नंबर कम होगा उतनी विस्कोसिटी कम होगी। जैसे हम ये कहें कि भाई 40 सी ग्रेड ऑयल इज लेस विस्कस देन 50 सी ग्रेड ऑयल, ठीक है। इसे ऑयल की ग्रेडिंग कहते हैं, और ये ऑयल की ग्रेडिंग किस बेस पे की जाती है? ऑन द बेसिस ऑफ विस्कोसिटी। आप इसको नोट करें, देखें, तो इसके हम कुछ 5-6 एमसीक्यूज करते हैं। हाँ जी, तो ये कुछ सवाल लिखे हैं हमने विस्कोसिटी के लिए। पहला सवाल देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स विस्कोसिटी? रफनेस ऑफ द सरफेस, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू फ्लुइड्स, रेजिस्टेंस टू फ्लुइड मोशन, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन फ्लुइड। अब बताएं क्या जवाब होगा इसका? शाबाश, जल्दी, सिंपल। विस्कोसिटी क्यों होती है? रेजिस्टेंस फ्लुइड मोशन। विच ऑफ दीज फ्लुइड्स हैज द हाइएस्ट विस्कोसिटी? किसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, एयर की, वाटर की, हनी की, ब्लड की? तो बताओ, हनी, ठीक है, समझ गए बात को, या कोई कंफ्यूजन है? आगे देखें, व्हाट हैपेंस टू द विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड विद द राइज इन टेम्परेचर? टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड की विस्कोसिटी क्या होगी? अभी अभी हमने डिस्कस किया था, गैस की विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज होती है, लिक्विड की विस्कोसिटी डिक्रीज होती है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सवाल बड़ा टेक्निकल है और मैंने दूसरे बुक से निकाला है। विच ऑफ दीज रेशियोज गिव द वैल्यूज ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड? रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट, रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड,
रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू द वेट ऑफ द लिक्विड फ्लूइड, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस आपने पढ़ी होगी फिजिक्स में, ये क्या है? इसका जवाब होगा ये, विस्कोसिटी का जो फार्मूला है वो ये है, एफ अपॉन ए डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट, मींस वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस एल या डी कर दें, ठीक है? तो ये जवाब है। ये क्या है? दिस इज शेयरिंग स्ट्रेस एंड दिस इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये एक्चुअल फार्मूला है विस्कोसिटी का। आगे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड इन मोशन इज वन पॉइस, व्हाट विल बी द विस्कोसिटी व्हेन द फ्लूइड इन रेस्ट। पॉइस में ही बताना है, फ्लूइड की भाई विस्कोसिटी है वन पॉइस, लेकिन अगर वो रेस्ट में हो तो उसकी विस्कोसिटी क्या होगी? रेस्ट में होगी तो विस्कोसिटी क्या होगी? जीरो? नहीं, विस्कोसिटी तो लिक्विड के मोशन पे तो डिपेंड नहीं करती ना, वो लिक्विड की इनहेरिटेड प्रॉपर्टी क्या होगी? वन। अगला देखो, द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज टू पॉइस, वन शुड मल्टीप्लाई इट टू गेट द आंसर इन न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये यूं ही समझ लें कि टू पॉइस को कन्वर्ट करना है इसमें, तो कन्वर्जन फैक्टर आपको याद था, क्या था? 10^-1। तो 10^-1 का मतलब क्या है? ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इफ यू रिमेंबर कि क्या था, 1 पॉइस इज इक्वल टू 10^-1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। 10^-1 को हम यू लिख सकते हैं ना, 0.1। ठीक है, समझ गए। लास्ट सवाल, द विस्कोसिटी ऑफ इथेनॉल इज ग्रेटर देन मिथेनॉल, क्यों? ड्यू टू HB in methanol, HB माना hydrogen bonding, HB in ethanol, size of ethanol is greater than methanol या all, क्या होगा? अब hydrogen bonding methanol में भी है, ethanol में भी है, लेकिन ethanol की methanol से ज्यादा है, तो ये क्या है? Due to its size, ठीक है? तो हमने आज लिक्विड के कुछ बिहेवियर डिस्कस किए और उन बिहेवियर में एक प्रॉपर्टी डिस्कस की, विस्कोसिटी। ठीक है, समझ गए बात को, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।